कि ये लगभग आखिरी वर्ष रहेगा आतंकवाद का कश्मीर में। घाटी में आतंकियों और पत्थरबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए खास योजना बनाई है, जिससे कि घाटी में दहशत और अशांति फैला रहे इन तत्वों को इस साल के आखिरी तक सफाया कर दिया जाए। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर घाटी में आतंकियों की सफाई को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का ये आखिरी साल है, इस साल कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह दावा उस वक्त सामने आया है जब अमरनाथ यात्रा जारी है। कश्मीर में सेना आतंकियों को चुन चुन कर सफाया भी कर रही है कि ये लगभग आखिरी वर्ष रहेगा आतंकवाद का कश्मीर में। सुनने में अटपटा रहता है, अखबार में सुर्खी बन जाती है, लेकिन यह आप मान करके चलिए। और जब वहां का वातावरण खुलेगा जितेंद्र सिंह शुरू से ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर कड़ा विरोध जताते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से जब हुर्रियत नेताओं से बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय इस पर फैसला करेगा कि हुर्रियत से बातचीत करनी है या नहीं। इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि तथाकथित मुख्य पार्टियां नहीं चाहती कि कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो। आगे बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने अंतिम चरण में है। कश्मीर के युवा अपने लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं। जाहिर है, हो ना हो, कोई अंडरकवर योजना सरकार ने कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए जरूर बनाई है। वैसे एक कहावत यह भी है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ठीक यही हाल आतंकियों का भी होने वाला है, क्योंकि उनका भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। सुरक्षा बलों के प्रहार से आतंकी भी बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों के हर मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं और इस साल 16 जून तक 113 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। वहीं बीते साल की बात करें तो 733 आतंकियों का सफाया किया गया था। वहीं बीते 3 सालों की बात करें तो कुल 733 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। 2018 में सुरक्षा बलों ने 257 आतंकियों का सफाया किया था, जबकि 2017 में 213 और 2016 में 150 आतंकी मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।